अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज और एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं देखूं तो मैं हमेशा महेंद्र सिंह धोनी सर को हमेशा देखता हूं। हेलो एंड वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ ऑल थिंग्स क्रिकेट बाय द 12th मैन। आई एम योर होस्ट उज्जवल सचदेवा एंड टुडे वी हैव विद अस अनदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बडिंग यंग टैलेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट। One of the best young all-rounders in the circuit currently, we have seen him play for the Indian under-19 team in blue and also play for the Railways. He is renowned for his performance of his 6-wicket haul in the Asia Cup final that helped India clinch it. And we have with us none other than Harsh Tyagi. Welcome, Harsh. It is a pleasure to have you on the show. Thank you so much, Ujjwal. आप कैसे चल रहे हैं, मतलब आप बताइए, आपका लॉकडाउन में प्रैक्टिस और ये सब कितना डिस्टर्ब हुआ है, कितना आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बताइए हमें। डिफिकल्ट है अभी, प्रैक्टिस वैक्टिस तो बहुत कम ही चल रही है। पहले मतलब घर पे मैंने मैनेज कर रखी हैं चीज़ें, जैसे मैं कुछ ना कुछ अपना करता रहता हूँ। सबसे पहले तो योगा करता हूँ मैं रोज सुबह उठ के। मैंने आपका देखा था सूर्य नमस्कार का आपका जो वीडियो था, बहुत। हाँ जी, तो फिर मैं योगा क्लासेस अपना करता हूँ, फिर उसके बाद योगा करने के बाद अपना मैं फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना थोड़ा सा जिम का शेड्यूल बना रखा है। फिर उसके बाद अपना घर पे ही कुछ ना कुछ ड्रिल्स करता रहता हूँ, जैसे बैटिंग का हो गया, बॉलिंग की हो गई, फील्डिंग की हो गई थोड़ी थोड़ी। फिर थोड़ा बहुत सीरीज और मूवीज देख के अपना टाइम पास, और कभी कभी प्ले स्टेशन भी खेल लेता हूँ। कौन सी गेम्स खेलते हो अभी सबसे ज्यादा? अभी मैं लास्ट ऑफ अस, अनचार्टेड और क्रिकेट 19 हो गया, फीफा 20, ये 3-4 गेम खेल रहा हूँ। ओके, तो अभी व्हेन वी गेट टू द इंटरव्यू, उसमें हमारा 3 सेगमेंट्स होंगे। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट योर करियर एंड हाउ यू गॉट टू बीइंग अ क्रिकेटर, एवरीथिंग अबाउट यू। सेकंड सेगमेंट वी विल टॉक अबाउट इंडियन क्रिकेट एंड वी विल टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट पीपल हैव सेंट फॉर यू। And finally, we'll have a rapid fire segment. Okay, fine. Okay, so I'll start with my first segment. And my first question to you is about you. So I want you to tell everybody about yourself. What inspired you to take up cricket? How you reached up to this point? Tell us everything about your journey. I started my cricket when I was 13 years old. ऐसा कुछ motive नहीं था कि मेरे को एक professional cricket खेलना है। मेरा बिल्कुल छोटा सा मोटिव ये था कि एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट या फिर एक इंजॉयमेंट के लिए मेरे को खेलना है क्रिकेट। और फिर मैं धीरे धीरे उस क्रिकेट को अपना धीरे धीरे पैशन में डेवलप करने लगा, और फिर पैशन के साथ साथ मेरा वो चीज़ प्रोफेशन में बदल गई। जो मेरा प्रोफेशन, मेरा पहले इससे पहले मेरे को सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए अच्छा लगता था, अब मैंने उसको प्रोफेशन में बनाया। जब मैं 13 ईयर्स ओल्ड था तब मैंने इंजॉयमेंट के लिए शुरू करा बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल में, मेरी अकेडमी वंडर्स क्रिकेट क्लब, वहाँ पर होती है प्रैक्टिस, तो हम लोग वहाँ पर करते थे प्रैक्टिस। फिर 2015 में मैं अंडर 19 खेला, 2013 में इनफैक्ट मैं पहले अंडर 16 खेला दिल्ली से, फिर 2015 में मैं अंडर 19 खेला, और वहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं था, बट जो टर्न ओवर था मेरे लिए वो 2016 था। जब 2016 में मैं अंडर 19 दिल्ली के लिए फिर से खेला, उसमें मैं सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर था कूच बिहार ट्रॉफी में, 45 विकेट्स लिए थे मैंने 7 मैचेस में। फिर नेक्स्ट ईयर 2017 में मैंने फिर कंसेक्यूटिव ईयर्स में मैंने फिर 7 मैच में 49 विकेट्स लिए थे, तब मेरा कॉल अप हुआ था इंडियन टीम के लिए अंडर 19। ये 2 ईयर्स मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे। फिर उसी परफॉर्मेंस से मैं 2018 में और 17 में इंडिया अंडर 19 की तरफ से रिप्रेजेंट किया मैंने। फिर कुछ मेरे को सीनियर टीम में मौका नहीं मिलता था दिल्ली रणजी ट्रॉफी में, तो फिर मैंने रेलवे शिफ्ट होने का प्लान किया, क्योंकि मेरे को फर्स्ट क्लास क्रिकेट मेरे को खेलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मेरी राहुल द्रविड़ सर से भी काफ़ी देर बात हुई थी इस चीज़ में कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस चीज़ को डेवलप करने के लिए मैंने रेलवे टीम को ज्वाइन किया, जो हम मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट अभी 2 साल से खेल रहा हूँ। ओके, तो ये जो आपने हमें पूरी जर्नी बताई, उसमें आपने जैसे बताया कि 2 साल आपने इतनी मेहनत करी, जब कोई इतना हार्डवर्क करता है एक एक्सपेक्टेशन आती है कि अभी इस टीम में सिलेक्ट होना है। So after when all of this hard work paid off, आपने इतना मेहनत करा, after that when you got called up to the Indian under 19 team, वो feeling कैसी थी, उसको आप describe कर सकते हो? Feeling हमेशा मतलब अच्छी रहती है जब आप अपनी national side के लिए select होते हो, या आप किसी भी stage के लिए। सबसे पहले जो अच्छी feeling होती है, आप अपने club cricket में एक established player बनते हो, वो feeling अच्छी होती है। फिर आप next stage जाते हो, आपको state team के लिए qualify मतलब recommend किया था, state team में आप अच्छा करो तब आपकी feeling अच्छी होती है। फिर अगर स्टेट टीम आप अच्छा करते हो तो फिर आपको आपको इंडिया अंडर 19 या फिर आपको नेशनल साइड के लिए
कॉल अप होता है तो वो एक फीलिंग, वो चीज धीरे धीरे डेवलप होती रहती है और वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है. मतलब मेरे को याद है मैं शायद जिम में था उस टाइम जब मेरे को कॉल कॉल हुआ था कि मतलब आपको इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए हो आप. मैं तुरंत वहां से पैक वैक करके सामान घर गया था, जिम से सीधा घर गया. घर में मैंने फैमिली के साथ वो टाइम सेलिब्रेट किया. फिर मैं तुरंत अकेडमी गया, अकेडमी मैंने सर सर से सबसे मिला अगले दिन ही. और फिर वो मोमेंट मेरे को अभी तक याद है. वो मोमेंट बहुत अच्छा था मेरे लिए. वो इनफैक्ट हर एक क्रिकेटर के लिए एक यही ड्रीम होता है कि वो अब नेशनल साइड के लिए उसको कॉल हो और वो अच्छा परफॉर्म करे अपनी नेशनल साइड के लिए. तो इस पूरी सेलिब्रेशन में मतलब सबसे ज्यादा चीज जो आपको याद रहती है आज तक वो क्या है? सेलिब्रेशन में हमेशा यही चीज थी कि जब मैं घर आया था तो मतलब मम्मी पापा दोनों ने मेरे को हक किया, मैंने उनके पैर छुए, मतलब उनसे ब्लेसिंग्स ली. फिर मैं अपने कोच के पास गया, वहां पर मैंने अपने कोचेस से ब्लेसिंग्स ली. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरी जर्नी में वो मेरे साथ थे, तो उनसे मेरे को बहुत वो चीज मेरे को अभी तक याद है. Of course, that is good. And my next question to you is like, जैसे अभी आप एक स्टेज पे हैं, you are a young cricketer who is doing exceptionally well. तो ऐसा होता है मतलब in our country, oftentimes it happens that at a very young age, cricketers are compared to say legends of the game or someone who is doing really well. I have myself read an article which says कि क्या हर्ष त्यागी क्रुणाल पांड्या बनेंगे, will he become युवराज सिंह. तो ऐसे बहुत सारे comparisons draw होने लगते हैं. तो वो जो है उससे क्या आप पे एक्स्ट्रा एडिशनल प्रेशर आता है कि हमें उस लेवल तक रीच करना है, और आता है तो उससे आप कैसे डील करते हो? ये जो इनफैक्ट ये जो चीज है कंपैरिजन की, ये स्टार्टिंग से ही थी. मतलब ऐसी कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है, बट जब भी मैं जब अकेडमी में खेलना स्टार्ट किया था, मैं अकेडमी में जितने मेरे सीनियर्स थे वो मेरे को रविंद्र जडेजा ही बुलाते थे. अच्छा. जड्डू आजा बॉलिंग कर, जड्डू ये कर, जड्डू वो कर. सो जब आप इस स्टेज पे होते हो, जब पीपल आपको मैच में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं इंडियन प्लेयर्स को, तो वो एक जब नया प्लेयर कोई यंग बच्चा होता है तो उसको उसकी तरह रेप्लीकेट करने की बोलते हैं कि ये उसी प्लेयर की तरह लग रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज की ऐसी है बिल्कुल. क्योंकि मेरा जो मतलब जब मैं खेलता हूँ तो मेरी एक प्रेजेंस जो होती है ग्राउंड पे, मतलब बैटिंग भी, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी. सो जब बैटिंग का काम आता है जब बैटिंग करता हूँ, जब बॉलिंग करनी होती है तब बॉलिंग, और जब फील्डिंग हो तो एनर्जेटिक बिल्कुल फील्डिंग होके फील्डिंग भी करता हूँ. तो वो चीज जब कोई सीनियर या कोई भी प्लेयर देखता तो उसको लगता है कि हाँ थोड़ा सा बिल्कुल रविंद्र जडेजा टाइप है मतलब. सो वो चीज मतलब कंपैरिजन होता है, बट मेरे पास ऐसी कोई प्रेशर की बात नहीं है. हाँ मुझे जब कोई वैसे बोलता है तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो कोई मेरे को इसको ऐसा देख रहा है. सो एक वो चीज अच्छी लगती है कि कोई मेरे को इस चीज से कंपैरिजन करना है तो और मैं उसके ऊपर और वर्क करता हूँ. राइट. और रविंद्र जडेजा, इज ही द रोल मॉडल दैट यू लुक अप टू? ऐसे ही बनना है आपको? यस एग्जैक्टली. मतलब अच्छा लगता है कि क्योंकि वो उनका जो गेम में प्रेजेंस है, उनका जो माइंडसेट है और उनका जो एनर्जी जो फील्ड पे वो लगाते हैं और जितना हार्ड वर्क वो करते हैं, मेरे को मतलब उनको फॉलो करना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वैसा मेरे को बनना चाहिए. राइट. एग्रीड. तो एक क्वेश्चन और है मेरे पास इसमें कि अभी जैसे लॉकडाउन आया एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस रूटीन्स वर ब्रोकन, जैसे अभी भी आप अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे होंगे ऑफ कोर्स, बट एक जैसे टीम प्रैक्टिस करती है इकट्ठे, फिक्स टाइमिंग होता है, एवरीबॉडी गेट्स टू बी इन द नेट्स टुगेदर, ऑल ऑफ दैट रूटीन हैज बीन ब्रोकन. सो एज अ प्लेयर नॉट जस्ट फिजिकली मेंटली भी आपने इससे कैसे कीप अप किया, अपनी फिटनेस ट्रेनिंग कैसे करी है, मेंटल स्ट्रेंथ कैसे अपनी कंडीशन करी है, एंड हाउ ईगर आर यू टू गेट बैक ऑन द फील्ड नाउ कि बस ये खत्म हो और खेलने को मिले? फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी वन इज ईगरली वेटिंग कब ग्राउंड पर जाएं, कब खेलें, कब स्टार्ट हो सब कुछ. सो वो चीज़ तो हर एक क्रिकेटर, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन और मैं तो कह रहा हूँ हर एक इंडिविजुअल जो है इस टाइम घर पे सबके अंदर है कि मैं बाहर निकलूँ, मैं कुछ काम करूँ. सो मेरा जो था स्टार्टिंग से, मैंने जो लॉकडाउन शुरू हुआ था मेरा ये था कि मैं योगा स्टार्टिंग से ही करता था. तो योगा अपना जिम का, अपना फिटनेस, अपना थोड़ा बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, ये सब मैं घर पर करता रहा तो अपनी बॉडी मेरी मेंटेन रही. सो उसके साथ साथ मतलब अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो मैंने जो पॉजिटिव चीज़ मैंने जो करी है, जब हम अगर लगातार क्रिकेट खेलते हैं थ्रू आउट एन ईयर, थ्रू आउट 5 ईयर्स, तो हम कहीं ना कहीं बेसिक्स को भूल जाते हैं. हम लगे रहते हैं अपने काम पे. बट अब ये जो पॉजिटिव साइड है मैं जो देख रहा हूँ, जो हमने इस 2-3 महीने में किया है, हम बैक टू बेसिक्स आ गए हैं. सो बैक टू बेसिक्स आने से क्या है कि हम लोग जो बेसिक्स पुरानी चीज भूल रहे थे, क्रिकेट में हो गई, कोई भी लाइफ में कोई भी बेसिक चीज हो गई, वो चीज हम भूल रहे थे, हम वापस उस बेसिक चीज में आके वो अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने से हम लोग को आगे इन लाइफ बहुत हेल्प मिलेगा. या ग्रेट. और इसका मतलब इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, जैसे आपने बोला सही कि
ये चीजें मिस आउट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ रेगुलर ट्रेनिंग या जो इंटेंसिटी बढ़ती है, तो इस चीज में वापस आना आई कंप्लीटली अग्री, इट्स अ वेरी गुड थिंग. सो हर्ष, दैट्स इट फॉर आवर फर्स्ट सेगमेंट. वी विल मूव टू आवर सेकंड सेगमेंट नाउ. इट्स अबाउट इंडियन क्रिकेट. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट पूरा इतना आपने जितना आज तक क्रिकेट देखा है, जितना आपने खेला है, उसमें आपका फेवरेट मोमेंट क्या है इंडियन क्रिकेट का? मैंने जब 2011 में क्रिकेट स्टार्ट करी थी, मेरा जो सेम मतलब ऐसा कोई मोटिव नहीं था. जब मैंने एक मैच देखा था जो आप सबको भी पता ही है, अंडर ये 2011 वर्ल्ड कप का, जब महेंद्र सिंह धोनी ने सिक्स मारा और इंडिया वर्ल्ड कप जीती. सो एक वो मैच देखने के बाद एक थोड़ी सी अंदर से एक पेट्रियोटिज्म मान लो या कुछ ऐसी चीज मान लो कि आई कि यार कुछ करना है मेरे कंट्री के लिए. सो वो दिन मेरे को अभी तक याद है, वो क्रिकेट मोमेंट अभी तक मुझे याद है, वो मैच अभी तक याद है. सो वो मैच मैंने अच्छे से देखा और उसको मैं देखता रहता हूँ बार बार भी. सो वो मैच मैंने देख के मेरे को एक मोटिवेशन मिली कि अब मैं कुछ मुझे करना है और क्रिकेट में ही करूंगा. सो वो 2011 अप्रैल 2 था आई गेस डेट. सो वो मैच के बाद वो मैच के बाद मतलब वो मैच मेरे को अभी तक याद है. वो मैच एक टर्न ओवर पॉइंट ऑफ माई लाइफ मान सकते हैं. ये आपने सोचा कि ये मैंने भी एक वर्ल्ड कप में जाके करना ही है? बिल्कुल बिल्कुल. And we hope that happens. So our next question to you is that so basically we have a segment wherein people have sent in questions for you. So the first question that we have for you is that आपने ये अभी तक mention भी किया अभी एक बार कि आप राहुल द्रविड़ सर के पास गए थे कुछ बात करने. तो first question हमारा उसी के बारे में है कि राहुल द्रविड़ जी को बहुत appreciation मिलता है under 19 cricketers के को के growth के लिए, उनके development के लिए. तो as your in your पर्सनल पर्सनैलिटी भी और एज ए टीम भी, एज ए प्लेयर, राहुल द्रविड़ सर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और हाउ डज ही हेल्प द टीम इन एक्चुअली ग्रोइंग? राहुल सर का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है अंडर 19 टीम के लिए, क्योंकि मैंने जो देखा 2015 या 16 से वो लगातार फोर टू फाइव ईयर्स उन्होंने अंडर 19 टीम को देखा है. सो जो क्रिकेट हमारा जो अंडर 19 का जो क्रिकेट है वो इतना इतना बढ़ गया है, इतने टूर्नामेंट्स होने लग गए हैं. पहले आप एक दो सीरीज होती थी साल में या दो साल में, अब 3-4 सीरीज हो रही है. एशिया कप, वर्ल्ड कप, हर दो साल में वर्ल्ड कप है. सो ये चीजें, एक तो क्रिकेट अपॉर्चुनिटीज प्लेयर्स को मिलने लग गई है, उनको पता चलने लग गया है कि मैं इंडिया खेल रहा हूँ तो मुझे कैसा फील होता है. एट द एज ऑफ 19 और 18 आपको पता चल जाता है कि आप इंडिया खेलने पर आपको कैसा लगता है हर चीज. उसके साथ साथ जब राहुल सर के साथ हम खेलते थे तो उन्होंने दो तीन चीजें हमको बहुत अच्छी बताई थी. जैसे आप कोई भी मैच खेल रहे हो, इफ यू प्ले एनी मैच जस्ट ट्राई टू लर्न. मतलब मैच खेलते हुए आप चाहे आप जीरो बनाओ और आप 5 विकेट लो या 100 बनाओ, कुछ भी कर रहे हो आप, अगर आप परफॉर्मेंस हो रही है आपकी नहीं हो रही है, बट आप सीख के जाओ. आप एक चीज सीख के जाओगे, आप लर्न करके जाओगे, तो आपको हमेशा आगे इन लाइफ वो चीज हेल्प करेगी. सो उन्होंने ये चीज हमको बहुत अच्छे से बताई थी. और फिर इसके साथ साथ वो कभी भी हमको प्रेशर में नहीं होने देते थे. हम हर एक प्लेयर को वो जब भी आते थे तो उनको फील कराते थे कि तुम अपना जैसे क्रिकेट खेलते आ रहे हो अपने स्टेट एसोसिएशंस के लिए, जैसे भी खेलते आ रहे हो वैसे ही खेलो, कोई चेंज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अलग चीज होने वाली है यहाँ पे. तो अपनी जैसे खेलते हो, जैसा बेसिक्स है, जैसा खेलते हो, जैसा अच्छा लगता है वैसे खेलो. सो एक फ्री ऑफ माइंड उन्होंने करा हमारा. और फिर हमको ऐसा कहा कि सीखो, कोई बात नहीं, जीरो बन रहे हैं या विकेट नहीं मिल रही या 100 भी बना रहे तो खुश मत हो जाए. सो वो एक मोटिवेशन उन्होंने दी तो सब प्लेयर्स को. तो जो बंदे थे वो सब फ्री खेलते थे. उसके साथ साथ राहुल सर के साथ साथ जो उनकी जो पूरी एक टीम थी, चाहे बॉलिंग कोच हैं पारस मामले सर थे, फील्डिंग कोच अभय शर्मा सर हैं, और ट्रेनर्स, फिजियोज, मसाजर्स, जितने भी लोग उनके टीम में पूरे साथ हैं, उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन उनके साथ साथ बहुत रहा है. क्योंकि उनकी जो टीम थी उन्होंने हर एक प्लेयर का लुक आफ्टर किया है, जिससे और प्लेयर्स को उनके स्किल्स इंप्रूव करने में बहुत हेल्प हुई है. राइट. और इसके छोड़ के हमारे को आपसे, आपके लिए क्वेश्चन आए हैं. विशाल स्मिथ और शक्ति ने आपसे पूछा है कि एक आपकी अप्रोच है, फियरलेस होते हैं आप गेम में, और लाइक चाहे आप स्पिन डाल रहे हैं, चाहे आप अभी बैटिंग कर रहे हैं, यू हैव अ फियरलेस अप्रोच टू द गेम. सो वो अप्रोच कैसे बिल्ड किया जाए मेंटल, उसके लिए आप प्रेपरेशन कैसे करते हैं, एंड हाउ डू यू prep up for a game that you enter the stadium fearless? Nice question. मैं यही मतलब हमेशा हमारा यही motive रहता है, मतलब मेरा जो हमेशा ये motive रहता था कि कभी भी जो जब भी मैं nets पे जाता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता मैं practice करने जा रहा हूँ, मैं preparation करने जा रहा हूँ nets पे. So मेरी preparation हमेशा nets पे ये होती थी कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो match की intensity से करूँ.
कभी-कभी होता है हमारा दिमाग ये लगता है कि अरे यार मेरे को ये करना है, बट मन नहीं लग रहा होता या आप फील नहीं कर रहे होते अच्छा। बट मेरे मतलब ऐसा करना चाहिए कि आप जो भी है, आप जब भी बॉलिंग कर रहे हो, जितनी भी बैटिंग कर रहे हो, चाहे आप हाफ एन आवर कर रहे हो, 1 आवर कर रहे हो, 2 आवर कर रहे हो, आप एक मैच की तरह खेलो। जैसे मुझे आउट नहीं होना, और आज आप बॉलिंग कर रहे हो तो मुझे आज 3-4 विकेट लेके दिखाने हैं, मुझे वेरिएशंस करने हैं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे कुछ अलग मैं दिखूं और मैं लगूं कि हाँ यार कुछ अलग ट्राई करने जा रहा है, जिससे जिससे ये मतलब विकेट लेगा या फिर ये अच्छी बॉलिंग करेगा। सो एक नेट्स पे ही जो हमारा, हम जैसे प्रैक्टिस करेंगे, हम जैसे प्रिपरेशन करेंगे, हमारा वैसे ही वही चीज मैच में होगी। सो नेट्स नेट्स पे अगर हम अच्छा करेंगे, हम अच्छे से इंटेंसिटी से प्रैक्टिस करेंगे, हम अच्छे इन्वॉल्वमेंट से प्रैक्टिस करेंगे, सो उससे क्या होगा, हमारे मैच में हमको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड ये टेक अवे रहना चाहिए कि आप मतलब नेट्स में भी खेल रहे हैं, आप कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू हैव टू प्ले इट लाइक अ मैच. यस एग्जैक्टली ओके एंड वन मोर क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर यू इज दैट मेनी पीपल हैव आस्क्ड दिस एक्चुअली दैट आपकी जो एशिया कप में परफॉर्मेंस थी फाइनल्स में, डू यू कंसिडर दैट टू बी द हाईलाइट ऑफ योर करियर या फिर दैट इज जस्ट अ पार्ट और आप बहुत सारे मोमेंट्स को ऐसे आप सेग्रीगेट नहीं करते मोमेंट्स को, आप एशिया कप था वो जीत गए अभी आगे सोचना है ऐसे देखते हैं. एग्जैक्टली मेरा मतलब यही है कि एशिया कप सबको, क्योंकि वो मैच टीवी पे आया और सबने उस चीज को देखा, वो चीज हाईलाइट हुई है, मान रहा हूँ। बट मेरी लाइफ में ऐसे पार्ट्स बहुत आ चुके हैं, मतलब आप मानोगे नहीं, 14 इनिंग्स अगर आप देखो मेरी अंडर 19 की, तो मैंने 14 इनिंग्स में अराउंड 10 to 12 5 विकेट हॉल लिए हैं। सो 5 विकेट हॉल एक मतलब गुड हैबिट, ट्रेडमार्क होता जैसे है. कहते हैं, अगर आप एक ट्रेडमार्क बेंचमार्क गुड हैबिट आप कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, तो आपको यूज टू इट हो जाते हो कि मुझे ये करना ही करना है, मेरा ये जॉब है टीम के लिए, मुझे करना ही है काम। सो मेरे को अभी तक याद है कि मेरा एक मैच था झारखंड के अगेंस्ट, मैंने 7 रन्स देके 7 विकेट लिए थे। और फिर एक दूसरा मैच था मेरा डेयर डेविल्स कप था, स्कूल कप, सो उसमें मैंने विदाउट कंसीडिंग अ रन मैंने 5 विकेट हॉल लिया था, T20 मैच था। तो ये 2-3 मैच मेरे को याद है कि हाँ मेरे हाईलाइट ऑफ करियर थे, लोगों ने इस चीज इसकी बात करी थी। बट हाँ, एशिया कप अगर आप देखो तो एक करियर का सबसे बड़ा मैच है, क्योंकि वो मैच लाइव आया, टीवी पे आया और सबने देखा, और इनफैक्ट फाइनल था एशिया कप का, इसलिए वो चीज दिखी, तो उससे वो चीज ज्यादा इम्पैक्ट हुई। ओके दैट्स ग्रेट एक्चुअली एंड आई थिंक दैट इज वन परफॉर्मेंस दैट हैज इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल टू टेक अप लेग स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर्स. इतने वी हैव रिसीव्ड सो मेनी क्वेश्चंस कि हम लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और आप हमें गाइड करिए, आप हमें समझाइए. सो दैट्स इट फॉर आर सेकेंड सेगमेंट. नाउ विल मूव टू आर थर्ड सेगमेंट, द क्विक फन रैपिड फायर सेगमेंट. तो आपने सिर्फ जो भी आपके दिमाग में पहली चीज आए, सबसे तेज चीज आए, वही आपने कहनी है. सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने अभी जितना भी खेला है, आपने जितना भी क्रिकेट देखा है, ऑन और ऑफ द फील्ड, व्हाट इज द फनीएस्ट मोमेंट दैट यू हैव बीन एसोसिएटेड विद? फनीएस्ट मोमेंट ऐसा हमारा, मतलब जब भी हम कोई भी केक कटिंग सेरेमनी, किसी का बर्थडे होता है, हमेशा उसके केक पे फेस पे उसके केक लगाते हैं। सो वो एक हमेशा ही कोई भी सीरीज में किसी ना किसी का बर्थडे तो होता ही होता है, तो वो चीज हमेशा एक फनीएस्ट मोमेंट होती है ऑफ द फील्ड। और मतलब उस चीज में मतलब हर एक, इवन कोचेज से लेके हर एक बंदा इंजॉय करता है। सो वो एक इन्वायरमेंट अलग ही होता है, जो आप मतलब डिस्क्राइब करना अभी थोड़ा मुश्किल है। जैसे अगर आप वहां भी खड़े हो तब आपको समझ आएगा कि अरे भाई अलग ही चीज हो रही है। या और ये मतलब जरूरी भी है कि अगर ये एनवायरनमेंट आपका ड्रेसिंग रूम में है तभी ये मतलब टीम की परफॉर्मेंस मोरल सब बिल्डअप होता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि इन द करंट इंडियन टीम हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? रविंद्र जडेजा ओके एंड इन द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन तो मैं आपको एक शॉट बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा कट या पुल, और आपको बताना है कि आपके हिसाब से वो शॉट बेस्ट कौन खेलता है, नॉट जस्ट इंडियन क्रिकेटर, कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको जो लगता है बेस्ट खेलता हो ये शॉट. सो फर्स्ट ओके, शॉट स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर सर, सचिन तेंदुलकर, और कवर ड्राइव विराट कोहली, द पुल कट रोहित शर्मा, केन केन विलियमसन, विलियमसन, और स्कूप शॉट एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स. ओके ग्रेट एंड अभी जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी अबाउट योर प्रेफरेंसेस पर्सनली और थोड़ी एक दो क्वेश्चन क्रिकेट से भी रिलेटेड. तो वी वांट टू नो कि आपका फेवरेट मूवी कौन सा है, या जो एनी मूवी दैट यू कैन वॉच एट एनी पॉइंट इन टाइम. फेवरेट मूवीज भाग मिल्खा भाग,
भाग मिल्खा भाग। और अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि आप अपनी मर्जी से किसी भी मूवी में रोल प्ले कर सकते हो लीड एक्टर का, तो आप किसमें करना चाहेंगे? नॉट इन बॉलीवुड बट इन हॉलीवुड इज कैप्टन अमेरिका। या सो एनी स्पेसिफिक रीजन यू लाइक कैप्टन अमेरिका? बिकॉज एक लीडरशिप क्वालिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप एक अलग आप मतलब मोटिवेट कर रहे हो सबको, सबको एक साथ रख रहे हो और सब एक, क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है। अगर आप टीम गेम में अगर आप सबको साथ नहीं रखोगे आप अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से आप अकेले नहीं जीत सकते। टीम हारेगी भी साथ में और जीतेगी भी साथ में। सो एक अच्छा एक रिस्पॉन्सिबल बंदा हो के सबको मोटिवेट करके साथ में लेके वो मेरे को एक लीडरशिप क्वालिटी अच्छी लगती है। ओके एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसा तो नहीं है, मैं एक हर एक एक्टर और एक्ट्रेसेस को मैं अच्छा मतलब रिस्पेक्ट देता हूँ कि उनका जॉब एक आर्टिस्ट का जॉब एक बहुत टफ जॉब है। सो मेरे को सारे ही अच्छे लगते हैं, जिसकी मूवी देख लेता हूँ मेरे को सारे अच्छे लगते हैं। ये तो अच्छी बात है। ओके एंड नाउ गेटिंग बैक टू क्रिकेट, सो इज देयर वन पर्टिकुलर मैच कि कभी भी उसके टीवी पे हाइलाइट्स आ रहे हो आप उसको सब छोड़ छाड़ के वो हाइलाइट्स देखने बैठ जाएंगे? That final match India Sri Lanka 2011 World Cup. Okay, and any particular माने जैसे एक format of the game है, जैसे किसी को T20 पसंद है, किसी को Test पसंद है, आपका favorite format क्या है game का? My favorite format is Test cricket. I want to, just मेरा aim है कि मैं अपनी national side के लिए Test team में एक part हूँ और उसके लिए अच्छी service दूँ, अच्छा खेलूँ. Okay, and one last question I have in this segment is that if given the opportunity right now and you could pick an IPL team that you can play for, तो आप कौन सी टीम में जाना चाहोगे? To be honest, जो इस टाइम खिला ले, जो पिक कर ले, मेरे को वो पसंद है। Okay, respecting opportunities of the young player, and that's really good. Exactly. Okay, so now about your game, आपने अभी तक कई सालों में कितने ही बैट्समैन कितने ही बॉलर्स को कितने बैट्समैन फेस को बॉल डाले, कितने ही बॉलर्स फेस करे हैं, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टफेस्ट बॉलर जिनको आपने फेस किया है और टफेस्ट बैट्समैन जिनको आपने बॉल डाला है। सो मैच खेलते हुए या प्रैक्टिस करते हुए दोनों चलेगा, मतलब कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सो मतलब मैंने जब मैं वर्ल्ड कप 2016 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप इंटरनेशनल जो वो यहाँ पे हुआ था इंडिया में, सो मैं नेट बॉलर था। इंग्लैंड टीम यहाँ पर विजिट करी थी तो फिरोजशाह कोटला उनका होम ग्राउंड था इंग्लैंड टीम का। सो मैं नेट बॉलर, मेरे को अपॉइंट किया गया था DDCA की तरफ से, तो फिर मैं वहां पर नेट बॉलिंग करने गया था। तो मैं बेन स्टोक्स को मैंने कम से कम आधा घंटा बॉलिंग करी होगी। इट वॉज सो टफ टू बॉल हिम, ही वॉज हिटिंग एवरी बॉल। सो बेन स्टोक्स जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरे को टफ लगा बॉलिंग करना। और जो टफेस्ट आपने टफेस्ट बॉलर जो मतलब मैंने खेला है अपने लाइफ में, वो मतलब हमारी मतलब बचपन से खेलते आ रहे हैं, सो एक कंपटीशन भी है और आपस में खेलते हैं तो एक टफनेस भी रहती है। सो शिवम मावी, हम लोग अराउंड 8 to 9 ईयर्स हो गए हैं साथ खेलते खेलते हमने। सो अब उसको इम्प्रूव करते हुए मेरे को अच्छा लग रहा है, जो उसने अपनी स्पीड इंक्रीज करी है। अभी जब मैं उसको खेलता हूँ तो लगता है कि अब टफ है मतलब बॉलर वो खेलना। सो शिवम मावी इज द टफेस्ट। वो आपका एक फ्रेंडलीनेस भी होगा उसमें कि मैंने बेटर करना है, मैंने बेटर करना है, उससे कम बेटर हो जाता है, राइट? और एक एक क्वेश्चन और इसमें कि अगर कोई भी एक मैच हो आप खेल सके दोबारा, कोई भी रीजन हो सकता है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया या उस परफॉर्मेंस को आपने इम्प्रूव करना है, सो एनी वन मैच यू कुड रीलिव और प्ले अगेन, तो आप कौन सा मैच चूज करेंगे? वी वर प्लेइंग अ सेमीफाइनल मैच इन एशिया कप, सो सेमीफाइनल मैच ना हमारा बांग्लादेश के अगेंस्ट हुआ था। बांग्लादेश होम टीम थी वहां पे, सो होम टीम थी तो हमने काफी लो स्कोर किया था उस मैच में। सो हम डिफेंड कर रहे थे अपना 170 का टोटल। सो हम लोग वो मैच 2 रन से मैच जीते थे, लास्ट विकेट थी, हमने उनको आउट किया। वो जो फीलिंग थी, जो बांग्लादेश सपोर्टर्स हमारे अगेंस्ट थे, हमने वो मैच जीता और उन सारे सब क्राउड को बिल्कुल साइलेंस कर दिया और वो पूरे हमने ग्राउंड पे चक्कर लगाया, वो पूरे एक साथ हम टीम जितने 15 के 15 थे, हमने इंडिया का फ्लैग निकाल के पूरा मतलब जो वो एक देश वाली चीज भी थी और वो क्राउड को चुप करने वाली चीज भी थी और वो मैच जीतना भी था,
और मतलब फुल स्लेजिंग व्लेजिंग सब कुछ हुई वो मैच, मतलब अभी तक मेरे को याद है, और वो मैच जो खेलने में मेरे को फिर खेलूंगा, फिर मजा आएगा, तो वो मैच मैं बिल्कुल खेलना चाहता हूँ फिर से। लेट्स होप आपके करियर में बहुत ऐसे मैचेस आए जिनमें आप अपनी परफॉर्मेंस से ऑपोजिशन टीम को साइलेंस करें, उनकी क्राउड को साइलेंस करें। तो जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। इसमें क्या करना है आपको, अपने अपनी टीम में से या जिनके साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर करा है उन प्लेयर्स में से किसी एक को पिक करना है। जैसे मैं बोलूंगा कि हु फिट्स दिस लाइन द मोस्ट, तो सबसे पहले आई विल आस्क यू अमंगस्ट एवरीबॉडी यू प्लेड विद, हु इज द मोस्ट लाइकली टू मेक एन एक्सक्यूज टू स्किप प्रैक्टिस? हम मेरा टीममेट था दिल्ली अंडर 19 का और इंडिया अंडर 19 का भी, आयुष बोधोनी। ओके, सो He was like, अरे भाई मैच खेलेंगे, सीधा प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्या करनी सो प्रैक्टिस नहीं करता था ज्यादा वो। ओके, और अभी जैसे आपने बताया बांग्लादेश वाले मैच में इतना स्लेजिंग हुआ, तो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि हु इज द प्लेयर हु इज मोस्ट लाइकली टू इंडल्ज इन स्लेजिंग, फील्ड पे सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा? उस मैच में तो वो नहीं था, इनफैक्ट हम लोग इंग्लैंड की सीरीज खेल रहे थे, एक इंडिया अंडर 19 वर्सेस इंग्लैंड अंडर 19 टेस्ट सीरीज थी। So, yeah. एक उत्तर प्रदेश का प्लेयर है, वो दिल्ली में ही रहता है, अभिषेक गोस्वामी। वो वो मतलब वो हर जगह, उसको अगर आप स्लिप पे खड़ा कर दो उसको बड़ा मजा आता है पंगे लेने में। हर एक प्लेयर को, हर एक जो भी बैट्समैन आएगा, बॉलर ने अगर उसे कुछ कह दिया तो गुस्से में आ जाएगा एकदम से। सो वो चीज उसको स्लेजिंग करने में बड़ा मजा आता है। तो वो प्लेयर मेरे को अभी तक याद है वो कैसे स्लेज करता था इंग्लैंड प्लेयर्स को। ओके, और हु डू यू थिंक इज द मोस्ट लाइकली टू पुल अ प्रैंक ऑन अ टीममेट? अनुज रावत। सो वो जब हम एनसीए में थे, हमने पूरा 2-3 साल हम लोग साथ खेले हैं पूरा। सो वो कोई भी बंदा उसके सामने ज्यादा बोलता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि कोई बोलेगा तो वो सीधा उसको हंसी, सब हंसने लग जाएंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देगा। सो इसलिए अनुज रावत के सामने कोई कुछ कहता नहीं था, तो अपना भाई सब अलग ही रहते थे उससे। ओके, एंड आपकी टीम में जैसे जब भी सेलिब्रेशन होता है, कुछ होता है, हर टीम में एक डीजे होता है, किसी की प्लेलिस्ट होती है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, हु इज दैट पर्सन इन योर टीम? मतलब चलो इसमें मैं अपना नाम ले सकता हूँ, मतलब हर्ष त्यागी है जो ये काम संभाल लेता है, डीजे वीजे स्पीकर वीकर ये सब काम मेरे को मतलब अच्छा लगता है, गाने वाने। सो तो ये डीजे वाला काम तो मैं कर सकता हूँ। मतलब क्या है आपको, मतलब सॉन्ग प्रेफरेंसेस क्या है आप, हिंदी पंजाबी इंग्लिश क्या? हिंदी पंजाबी इंग्लिश ईडीएम सारे सॉन्ग, मतलब जो जो बिल्कुल टिपिकल डीजे है। बिल्कुल, अगर मोटिवेशन है सो मैच से पहले मैंने मोटिवेशन लगा दिया, तो मैच अगर कुछ ऐसा हो गया तो कुछ और लगा दिया, तो वो मूड के ऊपर है, जो मूड हो रहा होगा सबका वैसे उसके हिसाब से लगा दिया। ओके, और लास्ट क्वेश्चन इसमें कि सबसे ज्यादा खाना, सबसे ज्यादा भुक्कड़ कौन है, सबसे ज्यादा फूडी कौन है आपके टीम में? हमारी टीम में दिल्ली अंडर 19 का कैप्टन था हमारा मयंक रावत। उसको उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज थी उसकी थी गुलाब जामुन। गुलाब जामुन ऐसे खाता था जैसे होटल, मतलब होटल भी वो खाए जा रहा है और उसका सब फील्ड में पेट अलग ही दिखता था। हम कहते थे भाई भाई थोड़ा कम खा लो, तो क्यों करते हो ऐसा? कहते भाई एनर्जी कैलोरीज लूंगा तभी तो एनर्जी आएगी, वो कैलोरीज मीठे में कैलोरी लेता रहता था। ओके, एंड नाउ मूविंग बैक टू अ लिटिल सीरियस क्वेश्चन कि एज अ यंग क्रिकेटर, शायद इसका आंसर आप हमें दे चुके हैं, बट स्टिल आई विल आस्क अगेन, बट हु इज द क्रिकेटर दैट यू लुक अप टू द मोस्ट? या रविंद्र जडेजा को मैं लुक अप करता हूं, बट अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज और एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं देखूं, तो मैं हमेशा महेंद्र सिंह धोनी सर को हमेशा देखता हूं, क्योंकि मेरे को उनके अंदर एक चीज अलग लगती है और हर एक प्लेयर को लगती है कि हाँ इनके अंदर एक ऐसी चीज है जो हर एक प्लेयर के अंदर नहीं है। वो एक आराम से डिसीजन लेना उस प्रेशर मोमेंट में, और एक कैप्टेंसी का प्रेशर, वो चीज को हैंडल करना, अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस टीम के लिए परफॉर्म करना, वो सब चीज का कॉम्बिनेशन करते हुए भी अपनी टीम को जिताने की कोशिश करते हैं और लास्ट तक खेलते हैं, तो वो एक चीज मेरे को अच्छी लगती है। राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जैसे आई विल से a word or I will say someone's name aur aapko batana hai jo first thing aapke dimag mein aaye. So first one in this set is Krunal Pandya. Smart cricketer. Asia Cup, India versus Pakistan. Okay, why aapki cricket academy, Wonders cricket academy, cricket club, temple of cricket. Okay, and Rahul Dravid sir, a coach, a mentor. Finally, Indian Premier League.
a league to showcase your talent. Right. Okay. Now, अभी इंडियन प्रीमियर लीग की बात करते हैं, एक क्वेश्चन और कि इस आईपीएल में आपने सबके स्क्वाड्स देखे हैं, सबकी टीम्स देखी हैं, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा स्क्वाड या जो टीम यू थिंक विल विन इट दिस टाइम, who do you think it is? चेन्नई सुपर किंग्स. चेन्नई सुपर किंग्स. ओके. एंड वन लास्ट क्वेश्चन टू यू इन दिस, कि आफ्टर ऑल ऑफ दीज ईयर्स, आप बता रहे हैं आप 2016 में परफॉर्म किया, उससे पहले खेल रहे हैं, 2011 से आपको इंटरेस्ट है कि अब खेलना ही है इंडिया के लिए. So after all of these years, what is cricket for you in one word? Cricket is passion and profession for me. That's okay. Okay. That is it from my side. And thank you so much for coming here, Harsh. It was really good to have you, to know your story, to interact, to get your answers. It has been really good. So anything that you want to say to your fans or people who are watching this or to me before you go? मैं यही कहना चाहता हूँ, एक आखिरी में चीज़, जैसे ये time थोड़ा सब लोग के लिए काफी दिक्कत वाला टाइम है, सो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि अपने घर पे रहें और कोशिश करें कि मतलब जितनी भी चीजें, अगर बाहर भी निकल रहे हैं आप किसी भी कारण, किसी इमरजेंसी के कारण, तो कोशिश करें कि हर एक चीज का जितने भी रूल्स बनाए हैं सब कुछ आप उसको फॉलो करें. आप मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करें. अगर आप वापस फील्ड पे आना भी चाहते हैं, आप आएंगे एक आध महीने में, तो हर एक चीज का आप फॉलो करें. बीसीसीआई और जितने भी आईसीसी ने रूल्स निकाले हैं, गाइडलाइंस निकाली हैं, उस चीज़ को फॉलो करें. और कोशिश यही करें कि आप कम लोगों से मिले इस टाइम, क्योंकि जितना आप लोगों से मिलोगे ज़्यादा, और उस टाइम आप वो चीज़ मिल के आप घर पे आओगे, तो घर पे आपके जैसे फैमिली है, पेरेंट्स हैं आपके, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी, हम क्योंकि एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, हमारी इम्यूनिटी फिर भी बहुत अच्छी है, बट जितने भी लोग बड़े लोग हैं उन लोग की इम्यूनिटी फिर भी हमसे कम है, तो चांसेस उन लोग को होना बहुत जल्दी है. तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए मैं यही चाहता हूँ कि सब अपना हर एक प्रिकॉशन ले, जिससे कि ये चीज कम फैले, और जितना जल्दी हम इससे कोप अप कर सकते हैं और जितना जल्दी हम इससे निकलेंगे, उतना ही हम लोग के लिए ज्यादा बेनिफिट देगा. दैट इज एक्चुअली वेरी ट्रू. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर हर्ष. बहुत अच्छा लगा आप आए, और बहुत अच्छा लगा आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ करी, सब इंटरेक्ट किया. थैंक यू सो मच फॉर दिस. प्लेजर. यू आर वेलकम. We'll be right back.